हाय दोस्तों, मैं मंगला प्रसाद निषाद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फिटर थ्योरी के एक प्रकार से मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे, जिस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से तैयारी करके सबसे अच्छा नंबर जो है उठा सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक इंटरफेरेंस फिट में एक शाफ्ट छिद्र से सदैव आकार में कैसी होती है? ऑप्शन ए छोटी होती है, बड़ी होती है, सी बराबर होती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी बड़ी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी सिलेबस में परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BIS में कुल छिद्रों की संख्या होती है? ऑप्शन ए है 21, बी है 18, सी है 16, डी है 25। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन ए 21 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, उत्पादन किए गए कंपोनेंट में अधिकतम और न्यूनतम स्वीकृत साइजों के मध्य अंतर को हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है क्लियरेंस, बी है अलाउंस, सी है टॉलरेंस और ऑप्शन डी है लिमिट। तो राइट आंसर जो होगा साथियों, वह होगा आपका ऑप्शन सी, उसे हम टॉलरेंस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पे बात करते हैं। तो अगर आप IIT कर रहे हैं तो आपके चाहे जिस ट्रेड से हो, सभी ट्रेड का जो है मॉडल पेपर हमारे वीडियो में उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बोल्ट आयताकार खांचे में फिट होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हुक बोल्ट, बी है हेक्सागोनल बोल्ट, सी है स्क्वायर बोल्ट, डी है टी बोल्ट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वह होगा आपका स्क्वायर बोल्ट। स्क्वायर बोल्ट जो होता है दोस्तों, वह आयताकार खांचे में फिट होता है, या हम उसे आयताकार खांचे में फिट करके टाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए कौन सा बोल्ट जो है प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है साइकिल बोल्ट, बी है कार्टर बोल्ट, सी है लेविस बोल्ट और डी है आई बोल्ट। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन है, हम साइकिल बोल्ट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो साथियों, आपको इसमें बतानी है फाइल को देखकर कौन सी फाइल है। ऑप्शन ए है फ्लैट फाइल, बी है हैंड फाइल, सी है राजपकट फाइल, डी है वक्राकार फाइल। तो आपको फाइल देख के पता चल गया होगा कि कौन सी फाइल है यह। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी दोस्तों, राजपकट फाइल है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान है? जी हाँ, कितना होता है निम्न क्रांतिक तापमान हाई कार्बन स्टील का? ऑप्शन ए है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 960, सी है 560 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है 723 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 960 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है हाई कार्बन स्टील का निम्न क्रांतिक तापमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर आठ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ है दोस्तों, वेल्डिंग के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? ऑप्शन ए है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 2000, सी है 3500 और डी है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर जो होगा साथियों, वह होगा आपका ऑप्शन सी 3500 डिग्री सेंटीग्रेड वेल्डिंग के लिए तापमान जो है आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर नौ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्नलिखित शीतलकों में से किसका प्रयोग एल्युमिनियम वर्क पीस की रिमिंग करने के लिए किया जाता है? जी हाँ, एल्युमिनियम वर्क पीस रिमिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी का तेल, बी है पानी, सी है हवा का प्रेशर, डी है लॉर्ड ऑयल। तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर, मिट्टी का तेल जो है प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, तेल का प्रवाह जिस पर बियरिंग सरफेस को स्वीजिंग के बिना अधिक दाब सहन कर सकता है? ऑप्शन ए है विस्कोसिटी, बी है आइलीनेस, सी है प्लेस पॉइंट, डी है फोर पॉइंट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, वह होगा आपका ऑप्शन ए विस्कोसिटी। जी हाँ, विस्कोसिटी आपका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आखिरी क्वेश्चन और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खनिज तेल इनमें से कौन से हैं? जी हाँ, आपको बताना है कि इनमें से खनिज तेल कौन सा है। ऑप्शन ए मिट्टी का तेल, बी है सिल्वर ऑयल, सी है मोबिल ऑयल, डी है पानी। तो राइट आंसर जो होगा साथियों, आपको पता होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल जो है खनिज तेल के अंतर्गत आता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।